कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् नमः श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का इस गीता सत्र में आने के लिए और आप सब भक्तों को देख के मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। आप लोग की जो उत्सुकता है भगवत कथा श्रवण करने की यह वास्तव में भगवान को बहुत ही सुख देती है। कथा सुनने की लालसा जब किसी भक्त में भगवान देखते हैं, कथा सुन पाए या ना सुन पाए, सुनने की लालसा जब होती है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए आज हम लोग गीता के सुंदर, कल मैं थोड़ा व्यस्त हो गया तो नहीं सुन पाया, रमेश थोड़ी बहुत अच्छे से बताते हैं प्रभु जी, तो आज हम लोग थोड़ी आगे कथा श्रवण करेंगे। तो 10 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करें, मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। तमवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतः शेन्योर्मध्ये विशीदंतम इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यह वाक्य कौन बोल रहे हैं? यह संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। भगवद गीता का लाइव प्रशासन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि से, गुरु की कृपा से। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुरु के मध्य वार्ता चल रही थी। ऋषिकेश मतलब कृष्ण और गुड़ाकेश मतलब अर्जुन। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गए थे। कौन किसके शिष्य बन गए थे? अर्जुन कृष्ण के शिष्य बन गए थे। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि मित्र लोग तो हमेशा मजाक करते, लेकिन यहाँ पर मित्र अब शिष्य बन गया है, समर्पण कर रहा है कि नहीं आप बताइए। तो कृष्ण हंस रहे हैं कि अरे भाई मैं तो तुम्हारा मित्र, मैं क्या बताऊं? नहीं आपको बताना पड़ेगा, आप नहीं बताएंगे तो मैं से नहीं हूं। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो ही भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की। देखिए शिष्य और गुरु में अंतर होता है, और मित्र लोग आपस में एक दूसरे को समान समझते, लेकिन जब गुरु शिष्य का रिश्ता आता है तो फिर
दो मित्र बात करते हैं, अच्छी लगेगी तो बात फॉलो करेंगे, नहीं लगे नहीं करेंगे, लेकिन गुरु शिष्य में गंभीरता आती है, गुरु जी बोलेंगे वो करना पड़ता है, समझ रहे हैं। मित्र के साथ हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन गुरु के साथ भाई सीरियस लेना पड़ता है। तो इसलिए अब जब कृष्ण देख रहे हैं कि भ्रमित हो गया है, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करा, तो फिर भगवान से मदद करने के लिए गुरु का रोल ले रहे हैं, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग यहाँ पर इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो हम लोग चर्चा करें कैसे गुरु का जीवन में बहुत रोल होता है। कुछ समस्याएं हम अपनी मेहनत से सॉल्व कर सकते हैं जीवन में। मान लीजिए किसी के घर में आज एक भक्त से बात हो रही थी, तो बताए थे कि उनके घर का पाइप फट गया, तो भी घर की समस्या, लेकिन फिर उसको रिपेयर करा सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है ना जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, कब आ जाएगी ये भी नहीं पता। जैसे हमारे एक वक्त आज फोन की बहुत परेशान थे, मुझे क्या करें नहीं करें। एकाएक उनके भाई पिताजी को बोलते गोली मार दे, समझ रहे, और इसको धमकी दे रहे हैं कि तुम 10 लाख रुपया दो। पिताजी को बोल रहे हैं कि मुझे आपको आपको मैं 14 लाख रुपया मुझे दीजिए। इस प्रकार से दम कब क्या हो जाएगा इस दुनिया में, बहुत मुश्किल है समझना। इसलिए जीवन में ये बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, आने वाली समस्या का पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे बुद्धिमान चिड़िया क्या करती है कि भविष्य में आपको देखती है कि जब बारिश का सीजन आने वाला है, उससे पहले अपना घोंसला उसला बना के रखती है। या बुद्धिमान व्यक्ति जब देखते हैं कि बारिश थोड़े दिन बाद होगी, तो पहले अपने घर के ऊपर सब रक्षा, तो जब बारिश चालू होगी तब फिर कुछ करना बड़ा मुश्किल। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय पे ही सही कार्य करते हैं। तो इसलिए पहले से ही जिसने ज्ञान ले लिया है, कोई अगर मान लीजिए सैनिक आक्रमण करने वाला, पहले से आपने अपनी रक्षा तैनात कर रखी, तो आपको आक्रमण से नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कब क्या समस्या आ जाएगी बोलना बड़े मुश्किल है। इसलिए शास्त्र बोलता है अगर समस्याओं का समाधान चाहिए तो चेतना का विकास करना पड़ता है। समस्या कारण है कि हमारी चेतना विकसित नहीं है। जब चेतना विकसित नहीं होती है तो बहुत सारी चीजें समस्या के रूप में प्रतीत होती है, जो समस्या होती नहीं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मैं जस्ते जा रहा हूं, कोई बोले ए टकलू 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 कहीं कहा, तो अब मेरी चेतना के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह समस्या है कि नहीं। अगर मैं अब शरीर के स्तर पे हूं, चेतना का विकास नहीं किया हूं, तो टकलू सुनो टकलू बोला छोड़ेगा नहीं तुमको, पकड़ो पकड़ो, साधु को टकलू बोलता है अपराध करता है, छोड़ेगा नहीं तुमको, श्राप दे देगा, ये कर। समस्या है नहीं, लेकिन एक स्तर पे देखा जाए तो समस्या है।
लेकिन अगर चेतना का विकास हुआ हुआ होगा तो फिर आदमी को लगेगा कि ये बच्चा समस्या में है, समझ रहे। जब आपका चेतना का विकास हो जाए तो आपको उस बच्चे पर दया आएगी। तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये बच्चा कितना, जैसे कल हमारे कुछ स्टूडेंट, अभी बहुत कॉलेज खुल गया तो हम लोग बहुत प्रचार में व्यस्त हैं, तो आज मैं सब बच्चों को पूछ रहा था, आप लोग सब कॉलेज गए प्रचार करने के लिए, क्या अनुभव रहा, सब लोग बताए थे। तो एक भक्त बताए थे कि वो 9 बच्चों को कल बता रहे थे गीता से कुछ, तो एक बच्चा सुन ही नहीं रहा था, वो मुँह लटका के रखा था। तो एनी हाउ हमारे स्टूडेंट उसको डील कर रहे थे, लेकिन वो बताया देखिए वो बच्चा आपको लग रहा है आपके प्रवचन में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझ रहे। जितना हमें लग रहा है कि वो हमें तकलीफ दे रहा है, उससे ज़्यादा वो तकलीफ में होगा कुछ बातों से। तो चेतना विकसित होगी, जैसे हरिदास ठाकुर की चेतना विकसित थी, तो जब उनको कोई क्या कर रहा था, रास्ते में प्रहार कर रहा था, आप रास्ते में जाएं और कोई आपको पकड़ के पिटाई करने लगे तो आपको क्या लगेगा, समस्या लगेगी कि नहीं, मोस्टली लगेगी। ये हरिदास ठाकुर समस्या नहीं लग रही, उनको समस्या लग रही थी कि बेचारा ये मार रहा है कितना कष्ट में, इसको कितना कष्ट मिलेगा, ये मुझे मार रहा है आज, प्रहार कर रहा है, इसको पाप के कारण कितना कष्ट मिलेगा, हे भगवान इसकी रक्षा कीजिए। तो आप समझ रहे हैं, दुनिया में प्रॉब्लम्स का कारण है कि हमारी चेतना विकसित नहीं है। चेतना जब विकसित होती है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। तो इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है चेतना का विकास करना। जानवर लोग अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकते, प्रयास करके भी अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जीवन में अपनी चेतना का विकास। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और चेतना का विकास होता है गुरु देव के वचनों को सुनने से। अगर हम महात्माओं का संग करते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है। तो इसीलिए अब अर्जुन अभी तक बहुत प्रयास किए, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन चेतना का विकास नहीं होने के कारण क्या थे, बड़े दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को गुरु बनाया, आदमी हजार प्रयास कर लेता है लेकिन अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन आदमी जब गुरु स्वीकार करता है तो गुरु जिनकी चेतना विकसित है तो फिर उनका संग करके वो भी अपनी चेतना का विकास कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना का विकास करें, और तभी संभव है जब समझेंगे कि इस दुनिया में सुख नहीं है, इस दुनिया में बड़ा कष्ट है। तो अर्जुन को बहुत प्रयास करने के बाद में समझ में आया कि भाई मेरी समस्याओं का समाधान मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो कृष्ण को शरणागत होते। तो कृष्ण हंसने लगते हैं, मित्र क्या हो गया, अब शिष्य बन गया। तो फिर कृष्ण जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, चेतना का विकास करते हैं। कैसे, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे चेतना का विकास होता है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, चेतना का विकास करवा रहे हैं। तो अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादां सभासे
गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर शोक कर रहे हैं कि अरे मेरे पिता माँ का शरीर चला जाएगा, मेरे गुरु मर जाएंगे। तो इस प्रकार से वह भौतिक स्तर पर शोक कर रहे हैं, लेकिन भगवान को समझा रहे हैं, मूर्ख क्यों शोक कर रहे हो? शोक करने की जरूरत नहीं है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी डूब रहा है और उसको बचाने के लिए आप जाए, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, और आप बचाने के लिए गए और आप उसके कुर्ते को बचा के ले आए और उसको डुबा दें, तो ये क्या मदद हुई क्या? तो अर्जुन क्या कर रहा है, कुर्ते को बचाने का प्रयास कर रहा है। शरीर के स्तर पे सोच रहा है, भगवान बोले अरे आत्मा के स्तर पे सोचो। दुर्योधन को तुम नहीं मारोगे, वो शरीर के स्तर पे और पाप करते रहेगा, आत्मा को कितना कष्ट होगा बाद में। लेकिन तुम अगर दुर्योधन को मार देते हो तो शरीर के स्तर पे उसको कष्ट होगा, लेकिन उसकी आत्मा और पाप नहीं करेगी, तो उसको ज्यादा लाभ। तो ज्यादातर इस दुनिया में सब कष्टों का कारण है कि हमारी चेतना विकास नहीं होने के कारण हम लोग शरीर के स्तर पे सोचते हैं, और हम शरीर के स्तर पे बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैं जब नया नया भक्त था तो मेरे माँ बाप उतने विकसित नहीं थे चेतना में, या मेरे परिवार वाले, तो हमेशा मुझे बोलते रहेंगे अरे खाना क्यों नहीं खाते हो, खाना क्यों नहीं खाते हो, खाना क्यों नहीं खाते। लेकिन वो लोग केवल मेरे शरीर के बारे में चिंतन, मैं आत्मा के बारे में भजन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। केवल प्रसाद खा लो, तीन बार क्यों नहीं खाता, दो बार क्यों खाता, ये वो, मतलब ठीक है वो लोग भला सोच रहे, बट उनके भला सोचने से क्या लाभ? अगर मान लीजिए हम उसके शरीर के बारे में भला सोच रहे हैं, हाँ जैसे मैं नया था तो कभी कभी हमें हमारे परिवार वाले बोले इतना सुबह क्यों उठ रहा है, सो जाओ इतना सुबह उठने की क्या जरूरत, सो जाओ। तो उनको लग रहा है कि सोएगा तो अच्छा रहेगा, शरीर के स्तर पे हो सकता है अच्छा भी रहे, और बहुत बार शरीर के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आसक्ति के कारण आदमी सोचता है नहीं नहीं मेरा बच्चा ज़्यादा सोएगा तो अच्छा। शरीर के स्तर पर भी ज़्यादा सोना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी, तो ये क्या है, मूर्खता है। क्या ये मूर्खता है, समझ रहे? तो भगवान अर्जुन को डांट रहे कि अरे मूर्ख, तुम शरीर के स्तर पे सोच रहे हो केवल, तुम किसके स्तर पे सोच रहे हो, केवल शरीर के स्तर पे सोच रहे हो। मान लीजिए कोई आदमी केवल शरीर के स्तर पे सोचता है, एक उदाहरण आ रहा है मेरे मन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, कि कैसे इस दुनिया के लोग केवल शरीर से, क्या शरीर के, शरीर तो ऐसे ही माया है, लेकिन उस शरीर के माया से भी शरीर में कैसा कपड़ा पहना उसे आसक्त हो जाता। तो एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत ही बड़े पंडित थे, कवि थे, काव्य थे, लेखक थे, विद्वान थे, पंडित थे। ब्रिटिशर्स के समय की बात है, तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक जगह पे दावत के लिए बुलाया, प्रवचन करने के लिए बुलाया, तो वहाँ पर वो चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पर उस सभा का नियम था कि जो भी आएंगे वो ब्रिटिश के ड्रेस में आएंगे, तो उनको अंग्रेजों का ड्रेस पहनना पड़ेगा, मतलब सूट कोट टाई। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत बड़े पंडित थे,
तो वो धोती कुर्ता में चलेगा और गार्ड को पता नहीं चला कि ये चीफ गेस्ट है। तो उसने क्या किया, उनको बोला कि आपका पैंट सूट कोट टाई यहाँ का ड्रेस कोड में आपने आपको नहीं घुसने मिले। तो फिर वो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने सूट कोट टाई पहन के आए तो इस बार घुसने मिला। फिर बाद में उनको वहाँ पर कुछ बोलने के लिए मौका मिला तो सबके सामने वहाँ दावत चल रही थी, खाने का प्रोग्राम भी था, बोलने का ही प्रोग्राम था। तो जब उनको बोलने के लिए बोला गया तो वो एक प्लेट में खाना ले लिए और खाने को क्या करने लगे, पॉकेट में डालने लगे, कोट की पॉकेट में उन्होंने क्या डाला, राइस दाल डालने लगे, इधर सब्जी डालने लगे कपड़ों में। तो लोग बड़े मतलब आश्चर्यचकित हो गए, भाई इतने बड़े पंडित है क्या इसका, मतलब कपड़ों में खाना डाल रहे हैं क्या, पागल है क्या। तो लोगों से रहा नहीं गया, बोले ईश्वरचंद विद्यासागर जी आप तो इतने बड़े विद्या के निधि हैं और आप ही कपड़ों में खाना डाल रहे हैं क्या, ऐसे उल्टे पुल्टे काम क्यों करें, समझ में नहीं आ। बोला नहीं मैं ठीक ही कर रहा हूँ क्योंकि इन्विटेशन जो है ये इस कपड़ों को मिला था। इन्विटेशन किसको मिला था, कपड़ों को मिला था, तो इसीलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूँ। बोले क्यों, बोले अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे कपड़े में आया तो मेरे को घुसने नहीं दिया गया, मैं शॉर्ट कोट टाई में आया तो मेरे को घुसने दिया गया, मतलब सूट के टाई को इनवाइट किया गया इसलिए उनको खिला रहा हूँ। तो सभी को बड़ी लज्जा आई कि भाई हमने तो ऐसा गलत किया। तो इस दुनिया में लोग केवल क्या है, कपड़ों से आ सकते हैं, उसके अंदर क्या है उसे लोग आ सकते होते हैं। वैसे इस दुनिया में हम लोग भी इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं, उसके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बहुत डांट रहे कि पागल तुम बड़ा हीरो बन रहा है लेकिन तुम जीरो है, तुम केवल कपड़ा के बारे में बात कर रहा है, डूबते हुए आदमी का केवल कुर्ता बचा रहा है और उसको डूबने दे रहा है, तो तुमने बुद्धि नहीं है, तुम नहीं जानते हो क्या चीज़ का महत्व है और क्या चीज़ का महत्व। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो कभी कभी वो टीवी आती थी घरों में, एक बार टीवी आई थी तो कार्टून खुला और उसमें से थर्मोकोल निकला और हम थर्मोकोल की अच्छी सुगंध आती है, पता नहीं हम लोग को अच्छा लगता था और मतलब बहुत सारे थर्मोकोल थे छोटे छोटे पीस। तो हम लोग सब भाई बहन, मैं था, मेरा एक छोटा भाई, बड़ा भाई और बहन, लोग सब लोग झगड़ा करने लगे, ये वाला मैं लूँगा, वो बोला ये वाला हम लेंगे, झगड़ा होने लगा, वाह 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 वाह, समझ रहे हैं इस बात क्या होने लगा, किसके लिए, थर्मोकोल के लिए। टीवी किसी को मतलब नहीं है, तुमको लेना जिसको देखना है देखो, लेकिन हमको थर्मोकोल चाहिए। तो इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए जो पढ़े लिखे सुसभ्य लोग हैं वो लोग बोले बच्चा पागल, अगर दो बच्चे झगड़ा करे इसके लिए तो उसको क्या बोला जाएगा, पागल बोला जाएगा। वैसे कृष्ण अर्जुन को खूब डांट रहे हैं, पगला तुमको बुद्धि नहीं है। तो इसलिए आइए तात्पर्य को थोड़ा फिर से पढ़ा जाए। तो तात्पर्य बोले भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षत मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा अरे मूर्ख तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ और आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। तो ज्ञान मतलब क्या, पदार्थ के बारे में जानना, मोबाइल है समझ रहे, और मोबाइल, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको कौन यूज़ कर रहा है। आज सुबह एक वक्त बताए थे कि कैसे एक पेंसिल होती है, तो पेंसिल के अंदर क्या होता है,
बाहर का पार्ट लकड़ी होती है, अंदर में क्या होता है उसमें ग्रेफाइट होती है काले रंग की, जिससे लिखाया जाता है। तो लकड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो ग्रेफाइट है काली रंग की, या पेन के अंदर ये पेन का स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर जो ये रिफिल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? रिफिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर पेन की रिफिल ख़त्म हो जाएगी तो पेन का कोई यूज़ नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे लेकिन वो बताए जिस पास पेंसिल होती है तो पेंसिल के अंदर चीज़ें होती है लेकिन वो आपको क्या है अंदर रहती है। तो वैसे हमारे अंदर ही आत्मा है जो काम की चीज़ है, लेकिन पेंसिल को आप ऐसे करके लिखोगे तो कुछ नहीं लिखाई, आपको छीलना पड़ेगा। वैसे हमें साधना भजन करके क्या करना पड़ता है, अपनी भौतिक चेतना से अपनी आध्यात्मिक चेतना को बाहर लाना पड़ता है। नहीं तो आप छीलेंगे नहीं तो क्या होगा, आप भौतिक स्तर पर रहेंगे और फिर आपको कुछ लिखाएगा, कुछ काम नहीं। इसलिए चेतना को जब हम जितना मंथन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम उतना चेतना का विकास होता है। इसलिए चेतना का रोज मंथन करना चाहिए, तब जाके आप बहुत सुंदर सुंदर कार्य कर पाएंगे इस दुनिया में। आत्मा के स्तर, शरीर के स्तर पे आप कितना ही बड़ा घर बना लीजिए, प्रॉपर्टी कर लीजिए, केस लड़ लीजिए, ठीक है वो भी करना चाहिए, लेकिन कुछ काम नहीं आता है, केवल कष्ट ही देता है। तो और फिर क्या करना चाहिए वो बताए थे, लेकिन पेंसिल अपने आप से नहीं लिख सकते, कोई लिखने वाला चाहिए। वैसे जीवन में हम लोग अपने आप से ज़्यादा साधन भजन नहीं कर सकते, उसके लिए क्या कहे, गुरु चाहिए। तो वैसे ही अर्जुन जो है अब गुरु के पास आए हैं और उनको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान क्या है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। और शरीर का ज्ञान होना, जड़ चीज़ों का ज्ञान होना, उसके पीछे आत्मा का ज्ञान होना, और दोनों के ऊपर कौन है, भगवान है। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। तो तीन चीज़ जीवन में जानने की ज़रूरत है, पदार्थ के बारे में जानना, पेन मोबाइल और इनके और हमारे बारे में जानना कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं प्रवचन को, लेकिन समझना कि दोनों के ऊपर कौन है, भगवान है। तो अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु इसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और तो ऊपर कीजिए दिखाई नहीं दे रहा मुझे, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो बहुत बार हम लोग घर गृहस्थी के स्तर पर सोचते हैं ठीक है, लेकिन सबसे ऊँचा स्तर है भक्ति का स्तर। कोई आदमी मान लीजिए अपने घर गृहस्थी भी बच्चों का अच्छा ख्याल रख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवत भक्ति नहीं कर पाया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और चूंकि वह आध्यात्मिक विज्ञान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तत्व को जानता है वही असली में विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं रहते, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो शोकग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, आप देखेंगे हर समस्या कारण क्या है जीवन में, जब आप शारीरिक चेतना में आ जाते हैं, शारीरिक चेतना में आने के बाद सब चीज समस्याजनक लगती है, लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना में आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो शारीरिक चेतना में होता है उसको कोई पिटाई करेगा तो समस्या लगेगी,
लेकिन हरिदास ठाकुर आध्यात्मिक चेतना में थे, उनको पीट भी रहे थे तो उनके बारे में सोचे बेचारे मेरे को पीट रहे, इनको बाद में पाप लगेगा, कष्ट होगा, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए बाजार में कोई पुचका खा रहा है और आपको नहीं मिला पार्टी में, तो आप दुखी हो रहे, अरे पुचका नहीं मिला, तो शरीर की चेतना में लग रहा है पुचका नहीं मिला, अरे आध्यात्मिक चेतना बोले भाई मेरे शरीर को दरकार ही नहीं है, क्यों खाऊं, क्यों डिस्टर्ब करूं अपने शरीर को, रायता सब्जी खा ही लिया क्या दिक्कत। लेकिन तो जिस लेवल की आपकी चेतना है उसके अनुसार आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी या नहीं देगी, समझ रहे? तो इसीलिए जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है डिमांड कर रही है कि मेरे को 20 साड़ी चाहिए, फलाना जो बगल में पप्पू भैया है उनके यहाँ उन वो अपनी पत्नी के लिए 30 साड़ी ला के दी है, आपको भी ला के देना चाहिए, आप क्या पति है, ये है वो है, ठीक है उसका धर्म है बोलना, और आप भी डिस्टर्ब हो जाए, आप मान लीजिए 30,000 कमाते हैं और आप बोले ठीक है हम भी लेके आएंगे और आप 30 साड़ी ले आए 50,000 रुपये में और दे दें, तो आपको बाद में और प्रॉब्लम होगा, समझ रहे? तो लेकिन अगर आध्यात्मिक चेतना में बोले ठीक है उसका कर्तव्य मांगना, लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता है तभी दे सकता हूँ, नहीं है तो ठीक है मैं 1-2 साड़ी जितनी संभव उतनी दूंगा। तो जब आदमी मन शांत रखता है, आध्यात्मिक चेतना में रखता है, तो लोगों के बोलने से ज्यादा डिस्टर्ब, लोग तो 1,000 चीज बोलेंगे, उनके मन में जो आएगा बोल देंगे, लेकिन हमें ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है। जैसे बच्चा है बोलेगा पिताजी पिताजी, छोटा बच्चा है बोलता है कि हमको गाड़ी दिला दीजिए 10,00,000 की, तो अब आपके पास 10,00,000 रुपए नहीं तो आप झूठ मूठ का लोन लेके उसको 10,00,000 गाड़ी दिला दें? आप सोच रहे होंगे नहीं आपके ऐसे छोटे छोटे उदाहरण, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा ही होता है जी। जब आदमी भौतिक चेतना में आ जाता है तो छोटी छोटी बातों में वो उसको सीरियस ले कर देता है और बाद में दुखी रहता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अर्जुन की तरह हम कृष्ण जैसे गुरु का कंसल्ट करके अपनी चेतना का विकास करें, नहीं तो चेतना विकसित नहीं रहेगी तो छोटी छोटी बातों से आप विचलित हो जाएंगे और आपके पास ऑलरेडी 10 जूता रहेगा, फिर भी मन देखेगा बढ़िया जूता है, अरे खरीद लो खरीद लो, दरकार नहीं है लेकिन ऑलरेडी 10 जूता सड़ रहा है लेकिन एक और खरीद। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव के संरक्षण में भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से गीता के तो बहुत सुंदर सुंदर गीता में बातें हैं, तो लेकिन ध्यान दे कि हम लोग समस्याओं से इतना विचलित ना हो जाएं कि अपने मुख्य कार्य को भूल जाएं। जैसे कोई मान लीजिए पत्नी चिल्ला रही है या पति चिल्ला रहा है कि पति चिल्ला रही है, वही बच्चा बोल रहा है कि पापा हमको खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए, और उसको पूरा दुनिया खिलौना चाहिए, टेडी बियर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है आप 100 का दे सकते हैं 200 का दे सकते हैं, वो बोलता पूरा दुकान दे दीजिए पापा हमको पूरा दुकान खरीद के दे दीजिए। तो बच्चे को अगर मौका देंगे तो 10,000 का 20,000 का खिलौना खरीद लेगा, तो 20,000 का खिलौना खरीदने देना चाहिए बच्चे को? अब आपकी सैलरी 20,000 और 20,000 अपने खिलौने में खर्चा कर दिया और फिर खाना नहीं मिलेगा, फिर बच्चा फिर गाली देगा कैसा बाप है, हाँ खाना नहीं देता है, हाँ अरे तुम ही ने बोला था खिलौना देने तो मैं खिलौना दे दिया, हाँ खिलौना लेकिन बाप आप है आपको पैसा भी देना चाहिए खाना भी देना चाहिए पॉकेट मनी भी देना चाहिए। तो ठंडे दिमाग से सोचना ठीक है खिलौना चाहिए, ठीक है कभी 100 दिला दिया कुछ, ऐसा नहीं कि उसको पूरा 20,000 का खिलौना दे दिया फिर उसका दूर हो रहे। तो आदमी को भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। तो जीवन में बहुत बार लोग क्या होते हैं समस्याओं से इतना विचलित हो जाते हैं कि मेन चीज को भूल जाते हैं,
कभी कभी कोई पत्नी बोल देती है, अरे आप पैसा सही से नहीं कमा रहे हैं, परिवार कैसे चलेगा, ये वो, आप केवल 30,000 रुपया कमा रहे हैं, कैसे होगा। ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं अपनी जॉब को चेंज करने का, पैसा बना, लेकिन ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आदमी अपना जॉब उप छोड़ दे कि अभी हमको पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, अभी हमको अभी जब बाद में करेंगे, बहुत दिन जब कर लिया, जब करने से क्या होगा, अभी हमको ना पैसा कमाना है, और मान लीजिए 16 माला बंद कर दिया तो क्या मूर्खता है। अगर माला बंद कर देगा तो उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी, अब उसको खिलौने की इच्छा होगी, बच्चा तो खिलौना मांगता था, अब उसको भी चाहिए, अब बच्चा तो 20,000 का खिलौना मांगता था, अब इसको गाड़ी चाहिए 20 लाख की, वो भी एक खिलौना है जिसकी उसको दरकार नहीं, लेकिन अब वो खिलौना चाहिए उसको, यूज नहीं करना लेकिन रखना है। तो इस प्रकार से आदमी को कभी भी अपनी 16 माला में स्थगित नहीं करनी चाहिए, सुबह उठ के प्रयास करना चाहिए ध्यान पूर्वक 16 माला करने का, और रोज गीता अध्ययन ध्यान से करना चाहिए। केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए माला खराब बंद कर दे, कम कर दे, तो हमें ज़्यादा और समस्या बढ़ जाएंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो गीता के तो अनमोल रत्न है, जितना बोला जाए कम है, और आप सब प्रेमी भक्त लोग वो ध्यान से सुनते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा, विजय ने उस दिन बहुत अच्छा प्रवचन दिया था, और संजय को भी अभी और दिनों में प्रवचन देंगे अगले हफ्ता, तो हम लोग चाह रहे हैं आप लोग सब भी बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाए और सब लोग गीता पे बोलने का मौका सीखे, ताकि हम लोग जो गीता का प्रचार है सबको कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की। प्रसादो भगवान प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोपि, ध्यायास्तु वस्तास्य यशस्त्रि संदे, वंदे गुरु श्री।